I started getting messages on my phone number ki, you know, someone is trying to hack my account from Istanbul and all. Email ID se mera Instagram link hai, to mera Instagram bhi automatically log wo ho gaya. Sare delete kar diye usne aur wo paise maangne lag gaya logon se. Nani, jab account hack hua, kis tarah pata chala ki, matlab, kyunki maine bhi kal aapka account dekha aur maine aapko message kiya ki aapka real account kya hai, kyunki ek ladke ka chehra dikh raha tha. Actually, mujhe aisa lagta hai ki jisne मेरे को ऐसा लगता है, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन बर्थडे नाइट से एक दिन पहले ना काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गया था वो अकाउंट, क्योंकि बहुत सारे लोगों की स्टोरीज़ आ रही थी फैंस की, तो मैं उनकी स्टोरीज़ रीपोस्ट कर रही थी, बिकॉज मैं वैसे भी इतना एक्टिव रहती नहीं सोशल मीडिया पर. बट दिस इज़ द ओनली टाइम यू नो दैट वेन पीपल फ्रॉम ऑल द वर्ल्ड दे आर विशिंग यू फॉर योर बर्थडे. सो आई थॉट कि द लीस्ट आई कैन डू इज़ एटलीस्ट आई कैन रीपोस्ट यू नो अ काइंड ऑफ क्या कहते हैं माई थैंक यू मैं उनको बोलने का. मेरे को ऐसा लगा कि यही एक तरीका है, सो वाई नॉट यू नो जस्ट रीपोस्टेड. सो आई थिंक ऑल ऑफ सडन आई स्टार्टेड गेटिंग मैसेजेस ऑन माई फ़ोन नंबर कि यू नो समवन इज़ ट्राइंग टू हैक माई अकाउंट फ्रॉम इस्तानबुल एंड ऑल. तो मैंने इतना ध्यान दिया नहीं, और जब तक मैं सुबह उठी तब तक तो मेरी ईमेल आईडी भी कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी थी, और बिकॉज मेरा ईमेल आईडी से मेरा इंस्टाग्राम लिंक है तो मेरा इंस्टाग्राम भी ऑटोमेटिकली लॉग वो हो गया, और मेरी सारी जो स्टोरी के पोस्ट थे आई थिंक अराउंड 3 or 4 क्या कहते हैं वो सारे डिलीट कर दिए उसने, और वो पैसे मांगने लग गया लोगों से. और जिनको मैंने थैंक यू के मैसेजेस किए थे उनके मुझे स्क्रीनशॉट आ रहे हैं कि नलिनी हमें तुम्हारे अकाउंट से मैसेज आ रहा है कि हे डिड यू सी माय स्टोरी काइंडली प्लीज़ सेंड सम मनी एंड ऑल दैट. सो आई वाज लाइक कि इससे पहले मैं कोई फ्रॉड के केस में फंसूँ आई शुड बेटर डू अ पुलिस कंप्लेंट.